Hello guys, what's up? We are back again with another reaction video. This is Space. This side Mirage. Hope you guys are doing well. And welcome to our channel Space Hobby, जहाँ पे हम लोग टीचर सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं और बकवास करते हैं, चुतिया पे करते हैं। Yeah, today we're gonna be reacting on Umar Anjum new song. Fun fact, production by Super Duper Sultan, जिसने शारे का G Complex पूरा EP produce किया है और बहुत अच्छा काम किया उसपे और Umar Anjum का ये और जोखे और उमर अभी यंगस्टर के साथ पूरा काम कर रहे और रैफे तैमूर और उड़ान के साथ तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान सीन का। बट नबील को नबील किसके साथ काम कर रहा है वो देखने वाली बात। नबील भी तो सुपर डुपर सुल्तान के साथ किया था ना? किया था रिसेंट में आफ्टर दैट डिस जो हुआ उसके बाद से शायद नहीं कर रहा है गेस। ओके ओके ये है क्या भाई, ये है क्या बकचोदी है भाई, गांजा फन फैक्ट गिर आएगा उतना आई कम बैक हाँ ये ड्रिल वाली शिट आई रन दैट ऑन द थर्ड इन द लाइन हाँ ये सीन मेरा फाइन तू भी जानता है छोटे फन फैक्ट जितना गिर आएगा उतना आई कम बैक हाँ ये ड्रिल वाली शिट आई रन दैट ऑन द थर्ड इन द लाइन हाँ ये सीन मेरा फाइन तू भी जानता है छोटे फन फैक्ट लोड़े से व्यूज नहीं मैं रील्स वाला रैपर मैं थर्ड इन द लाइन तो पहला और दूसरा कौन सा है और ये लाइन किस चीज का है और ये लाइन है कहाँ पे ये अब जानने वाली बात है। तीसरा है तो पहला और दूसरा कौन है? I run this shit. या ड्रिल वाली हो तो I run this shit ऐसा बोला कुछ। दस एक पीछे करो एक मिनट कुछ रील्स लेके कुछ बात हुई। छोटे फन फैक्ट जितना गिराएगा उतना I come back। हाँ ये ड्रिल वाली shit I run that। On the third in the line हाँ ये सीन मेरा fine तू भी जानता है छोटे फन फैक्ट लोडे से views नहीं मैं reels वाला rapper इधर नस्ल ये काम तभी real वाला rapper तेरा DM में बैठा मेरे वो feel करे laser with his pen वो comparison में डूब चुका beggar fuck a brand जब काने दे रे note and fuck the government ये mother chod vote के नहीं like सारे भोसड़ी के चोर कैसे hopeless ही लोग मरते रोज मेरे शहर में घूमू मैं रगड़ू माल double dose पे सब घूरते हैं आके चूर पड़ी मेरी बंदा आके फूकते हैं आता super हम भागे studio booth को सूत के घूरते लौंडे मूतते हैं watching me वाला piss on this shit I'm the motherfucker you can't miss with समझ बात मेरी जेब बड़ी you can't flex with तेरी team नहीं बस लोग हैं जो काम सीधे करते हैं अपने नाम से तेरे यहाँ मुझे खबर कौन टांग किसकी चीजें इन shows मेरे मिलूंगा मैं high by the cost मेरा hood south side मिलूं high by the post word play हल्का उन बातों का ही सरोकार तेरे कलम का ही नहीं हाथों से तू मैं सर उखाड़ फारिक बैठे हेट तेरे इनकी काम की नहीं अकल मैं तो ब्रस्ट खोलूं गानों का ये काम की नहीं अकल मुझे शांति पसंद है ना दे काम में या दखल unfuckable with a couple of motherfuckers who hustle fun fact जितना गिराएगा उतना I come back हाँ ये ड्रिल वाली shit I run that I'm the third in the line हाँ ये सीन मेरा fine तू भी जानता है छोटे fun fact जितना गिराएगा उतना I come back हाँ ये ड्रिल वाली shit I run that I'm the third in the line हाँ ये सीन मेरा fine तू भी जानता है we serve when it's needed no wonder I'm undefeated I feel a bitch on a beat and it's appealing कुआं भरा ऐसा यहाँ आँखें तेरी ना खोलें कुआं खड़ा के सामने उनके वो फिर भी कूदे तो करूँ इन्हें mention क्यों कुआं भरा है इतना इनकी आंखें भी ना खुले और कुआं सामने फिर भी वो उनमें जाके कूदे दे डोंट कैन नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम्स और उन्हें पता है कि ये गलत चीज़ें फिर भी वो चीज़ करते हैं और पहला वर्स में बहुत कुछ थोड़ा बड़ा शॉर्ट्स भी लिया गया मेरे को और शायद थर्ड इन लाइन से वो मीन करना चाह रहा है कि अंजुम और जोखे के भाई एनएस के बाद वो हो सकता है बट कौन सा सेंस में बोल रहा है ये वाली बात है एंड पहले वर्स में वो रील वाली लाइन आई गेस तैमूर के लिए होगी क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा रील और शॉर्ट्स में वायरल हो रहा था वो भी बात बोल रहा था कि पॉकेट्स में मेरे से तेरे से ज्यादा कैश है तो फ्लेक्स मत करो तेरी टीम नहीं है वो कुछ लोग बस सीधा सीधा काम करते हो तो मुझे सब पता है एंड ऑल दैट बात हो रहा था तो मेरा बीफ सिर्फ नहीं लड़ू आए ना तू सेव योरसेल्फ जाके देख थोड़ा आए ना तू
भाई नहीं तू मेरा तो ही मेरे काफी दे भी क्वेश्चनिंग एवरीथिंग बोलने तूने हसल का कि मेरे सर पे ये तलवारें लेकिन थोड़ा भी झुका नहीं सेव योर एनर्जी प्लीज मैं तो किसी की सुनता नहीं रहता अनअपोलोजेटिक कंपैरिजन कोई ना सहते हैं ये कलम ऑटोमेटिक एंबैरेसिंग देम वो बैठे आई डोंट प्लैनेट हाउ आई राइट लेकिन वर्सेस ऑफ प्लैनेट गॉड डैम इट क्या ही करेगा तू इन्फ्लुएंस यू ऐंट फ्लुएंट इन शिट ये ट्रेल मेरी पिच एंड यस आई एम कॉलिंग दिस व्हेन आई फ्लू इन द सीन वो बोले आई मेक इट बिग पर ना मानूं जब तक यू ना एक अवार्ड जस्ट टू गिव इट टू माय चेक फन फैक्ट जितना गहरा ये फ्लो बहुत अच्छा था ये फ्लो बहुत अच्छा है और प्लैनेट लेके मेरी वर्स या पेन आउट ऑफ द प्लैनेट लिखती है ऐसा वर्स थोड़ा पीछे करो तो थोड़ा सा पीछे करो तो रुको 220 पे आओ लेट्स सी इट वन सन की Think embarrassing them, but they are no planet, how I write Like in verses of planet, god damn it, can you carry To influence, you ain't fluent in shit You trail meri pitch, and yes I'm calling dibs When I flew in the scene, wo bole I'd make it big Par na manu jab tak yun na ek award Just to give it to my chick Fun fact, jitna girayega, utna I come back Haan, your trail wali shit, I run that I'm the third in the line, haan, your scene mera fine Tu bhi janta hai, chote fun fact Jitna girayega, utna I come back Haan, your trail wali shit, I run that The third in the line, haan ye scene mera fine, tu bhi janta hai, chote fun fact. There's no need to fear, underdog is here. What? Kaisa jungle king jaisa sound hai na? This world of fear, we break the laws that place you fear, and frighten all who see you. क्या बकचोदी था ब्रो ये क्या ये लास्ट का क्या बकचोदी था मुझे नहीं पता कि देयर इज नो नीड टू फियर देयर इज नो नीड टू फियर फिर कुछ बोला क्या था डॉग्स या ऐसा कुछ था अंडरडॉग बोला ओके 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 बेसिक लास्ट का क्या हुआ मुझे इट वाज अ बेसिक फ्लो वाला गाना ब्रो बीच में फ्लो बहुत अच्छा लग रहा प्लेनेट का टाइप का जो और थोड़ा सा शॉर्ट्स था एज यूजुअल जो हर रैपर्स के गाने में होता है गाइस सो इट्स अ रैपर्स मतलब आर्टिस्ट जब एक दूसरे पे शॉर्ट्स लेते हैं वो रिश्ता कहीं ना कहीं लाइक एक एक्स जैसा बन जाता है कहीं ना कहीं जाके उसका मेंशन सबलिमिनल होता ही रहता है या तो वही सीन था ब्रो बेसिक सिंपल गाना था जो आउट ऑफ नोवेयर ड्रॉप हुआ था और या ज्यादा कुछ बोलने अच्छा कंसिस्टेंट बन रहा है कंसिस्टेंसी है और सही है कंट्रीब्यूटिंग टू द सीन सो या वी शुड अप्रिशिएट दैट वाज द रिएक्शन पसंद आया तो सब्सक्राइब करो